हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं दुकान से ब्लॉग को स्टार्ट करूंगा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, अरे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गाड़ी हर सरऊ जा रहे हैं। गाड़ी हर सरऊ कहाँ जा रहे हैं भाई? गाड़ी हर सरऊ जा रहे हैं हम लोग, जो कि गुड़गांव में पड़ता है और हमें पता नहीं है एग्जैक्ट इसका नाम क्या है। हम वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंच के आपको जरूर दिखाएंगे इसका नाम। और जो कोई भी गुड़गांव से बिलोंग करते हैं तो प्लीज इसका नाम सही से बताएं, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हैं और मैप पे भी शो कर रहा है। मैप को जब हम ट्रांसलेट करवा रहे तो वो बोल रही है गाड़ी हर सरऊ। बताओ यार क्या बात। चलो हम देखते हैं, ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट और आप भी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए जरूर। गाड़ी हर सरऊ, ये देखो हंस है भाई, हंस क्यों रहे हो? नाम ही ऐसे बोल रहे हैं यार, नाम गुड़गांव में पड़ता है, पता नहीं क्या नाम है। गड़ी हर सरऊ। चलो गड़ी हर सरऊ के पास हम चलेंगे अभी थोड़ी देर में, हम ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। भाई क्या नाम है भाई? गड़ी हर सरऊ। चलो ठीक है भाई, वहाँ के लोगों से मिलवा देंगे। सबसे पहले लोगों से जरूर मिलवाएंगे, वहाँ से पूछें और स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को। एंड ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हमारे फर्स्ट एक्सपीरियंस है गड़ी हर सरऊ में। और जाके गुड़गांव में हम आपको जरूर मिलाएंगे अपने डेस्टिनेशन में पहुंच के और नाम भी जरूर दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो चलते हैं, हम करते हैं स्टार्ट अपने ब्लॉग को। एंड यार संभाल लेना दुकान को प्लीज, समझ रहे ना? दुकान को संभाल लियो, समझ रहे? ठीक है। बाय बाय। गाइस, बहुत देर से वीडियो बनाते बनाते मैंने सोचा कि चलो एक बार यहाँ का भी ब्लॉग बना लिया जाए और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। मेरे को रहा नहीं गया क्योंकि बार बार मैं कैमरा कर रहा था और बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो यार एक बार इसका ब्लॉग रहा नहीं गया मुझसे ये नज़ारे देख के, और मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोग, लग रहा है कि साला ये खाई है, देखो बहुत नीचे तक है यार, बहुत नीचे तक है। आप देख सकते हैं बहुत नीचे तक है भाई ये। मेरे को रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि चलो यार ब्लॉग बना ले जाए, पता नहीं कहाँ बहुत नीचे तक है यार ये। तो बार बार मैं वीडियो बना रहा था और बार बार रोडों का देख रहा था, लेकिन लास्ट में जब मैंने देखा साइड में हमारे ये सब चीज़, तो मुझसे रहा नहीं गया ब्लॉग बनाने के चक्कर में। वीडियो इसलिए मैं यहाँ का वीडियो बना रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कितना नीचे है ये तो अभी खैर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यार बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है ये तो। और देखे यार मैं चौक है, पूरा खाई ऐसा लग रहा है, अगर एक बार कोई इसमें गिरा तो ख़त्म, उसका खेल ख़त्म। अच्छा तो कैसे अलगे भाई? चलो ठीक है भाई चलते हैं। बेल का काटा नहीं है, बबूल का काटा ही है। अरे वो जो भी है, लेकिन सही में यार गजब का प्लेस है ये तो। हे गाइस, आप बताना जरूर आपको कैसा लगा यहाँ का ये जो नज़ारा है, जंगल एरिया टाइप और खाई, बीच में खाई है, खाई का भी हम लोगों ने थोड़ा सा क्लिप और थोड़ी सी शूटिंग कर लिया। जल्दी आ जा, नहीं तो आ जाएगा बंदर। ओए बंदर, अरे पीछे से। अबे जल्दी आ जा बंदर, आ रहा है पीछे से। आपको ये ब्लॉग और कैसा लगा? आपको ये खाई बढ़िया है, लेकिन कोई अंदर जाएगा तो बचेगा नहीं, अंदर जाएगा तो वैसे भी नहीं बचेगा। चलो अभी आगे भी देखते हैं। और बीच में अभी कुछ दूरी पे एक बोर्ड बनाया हुआ है और बोर्ड लगाया हुआ है, उस बोर्ड पे लिखा गया है कि यहाँ पे जंगल एरिया है और यहाँ बनाते समय, वीडियो बनाते समय या फिर जाते समय आप लोग तेजी से निकले, क्योंकि यहाँ पे बाघ भी मिल सकते हैं आपको, ये जितने भी जंगली जानवर हैं मिल सकते हैं, क्योंकि ये खुला एरिया है, रोड के साइड कोई बाउंड्री नहीं है, ये खुला एरिया है। तो यहाँ पे सब चीज़ वीडियो बनाने से पहले, सब चीज़ करने से पहले आप लोग ज़रूर ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत ही ख़तरनाक है और खाई वाई भी है, और दूसरी चीज़ की खुला एरिया है तो कुछ भी मिल सकते हैं, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप लोग वीडियो बनाने से पहले। तो चलते हैं ब्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कितना बड़ा जंगल है, और यही सी की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है।
ज्यादा बिल्डिंग है, सौ से भी ज्यादा बड़ी बड़ी खड़ी हो रही है भैया, बिल्डिंग है भैया, बिल्डिंग है। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं आखिरकार, एक्चुअली फाइनली हम लोग दुकान पे आ चुके हैं और इसकी हालत आप देख सकते हो कितनी गंदी हो चुकी है, क्योंकि रास्ते में ये बोल रहा था कि मेरा पिछवाड़ा ढीला हो गया भैया गाड़ी चला चला के, इसलिए बार बार बोल रहा था कि इधर से जाऊंगा, उधर जाने के बाद से वहाँ जाने के बाद इतना ज़्यादा धूप, और धूप में हम लोग इतना परेशान हो गए, परेशान होने के बाद से जब हम वहाँ पर गए और धूप में खड़े होके वेट करना पड़ा, इतना ज़्यादा थक गए हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। और धूप में तो सबसे बड़ी बात यह है कि धूप में कहीं भी गर्मी के टाइम पे आप लोगों को जाना है तो प्लीज़ हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि धूप में आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ये जो धूप का धूप जो पड़ रहा है, जो ये भगवान का जो ये जो धूप बना रखा है इन्होंने, और ये जो पड़ रहा है ये ना हालत जो है ना वो टाइट कर दे रहा है, और जितना भी खतरनाक बंदा होगा 101% उसकी हालत ख़राब होनी है तो होनी है। हम लोग इतना दूर गए, जैसे आप मान लो अभी कितना किलोमीटर था वो, 60 किलोमीटर इधर से और 60 किलोमीटर उधर से, यानी 120 किलोमीटर, और बीच का जो 10 किलोमीटर इधर उधर घूमे उसकी बात तो अलग है, क्योंकि वहाँ पे रास्ता नहीं जानते थे सबसे पहली बात। और हम लोग गए सूरज कुंड के तरफ होते हुए और सीधे गुड़गावा, गुड़गावा के बाद से गढ़ी सरवा नहीं था, उसका नाम था गढ़ी हरसरो, वो नाम था, मैंने आपको दिखा रखा है उस वीडियो में, आप वहाँ से देखें क्या नाम था। एक्चुअली सुबह मेरे को पता नहीं था कि क्या नाम है, लेकिन भाई साहब इतना ज़्यादा हम लोग थक गए और इसकी तो हालत इतनी ख़राब हो गई, क्योंकि सुबह इसको सुबह इसकी तबीयत ख़राब थी, फिर भी ये बोल रहा है कि मैं जाऊंगा वहाँ पे ससुराल में मिलने के लिए, और मिला भी, दो चार इशारे भी किए थे चुलबुल को। अरे यार, अरे क्या यार भाई, मैंने देखा था, मैंने भाई किया, मैंने क्या किया, तूने इशारे किए थे कि चलो, जब बैठा था चौकी पे देखा था, सब देखा था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सुबह इसकी तबीयत खराब थी, ठीक है ना, मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आदित्य को लेकर चला जाऊंगा, ये भाई साहब बोल रहा है नहीं मैं ठीक हो गया 100% का बुखार अभी दिखा रहा है कि 98% थर्म, पता नहीं कैसा थर्मोमीटर था इसका, तुरंत ही 98% हो गया, बताओ यार। वहां जाने के लिए, वहां जाने के बाद से इतनी खतरनाक हुआ, अब मैं क्या हुई बोलूं। चलो जैसा भी हो, हमने आखिरकार हम अपने दुकान पर पहुँच गए, और प्लीज़ आप लोगों से फिर दोबारा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को कहीं भी धूप में घूमने जाना है तो प्लीज़ सुबह कहीं जाएं, दोपहर में ना जाएं, क्योंकि आपकी हालत पतली हो सकती है, अगर आपके जिगरा है, अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ धूप में जाएं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे, मुंह ऐसा सूख गया था ना, कि पहली बात तो वहाँ पे हम स्टेशन पे गए, बस खोज रहे थे साला कहीं पानी मिल जाए, ऐसा यार वहाँ पे ऐसा सुनसान इलाका था साला, कुछ दुकान भी नहीं थी वहाँ पे, और ऊपर से क्या बोले, बस ये सारी चीज़ें थी भाई साहब, मुंह सूख गया, मुंह चट चट कर रहा है, कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी, ये तो बोल रहा है कि भैया मेरी तो ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, और दूसरी चीज़ कि खाना के चक्कर में, खाना भी नहीं अच्छे से हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं, खाने के चक्कर में हम लोग इतनी देर भूख लगी थी, सुबह खाना खा गए थे, उसके बाद से फिर वहाँ पर ऐसा हुआ, फिर दोबारा हमें भागना पड़ा दुकान के चक्कर में, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। चलो जैसा भी हो, हम आखिरकार पहुँचे, और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जरूर करें। और हम लोग क्या लाने गए थे मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाने गए थे वहाँ से गढ़ी हरसरो, हरसरो पता नहीं क्या है स्टेशन यार, नाम बार बार मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ, ये लाने गए थे, एक शुभम ने भेजा है वहाँ से, ये इसका भाई गोलू आयुष का भाई, तो ये भेजा है वहाँ से, इसमें क्या है अभी देखते हैं, अनबॉक्स करो भाई इसको जल्दी जल्दी कर ले। अनबॉक्सिंग कर तो सीधे घुस जाएगा, तो उसमें घुस के बैठ जाएगा, है फाड़ फूड़ देगा पूरा, बिल की क्या जरूरत थी वो सारा दे दिया।
ये लैपटॉप भेजा है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था यार, इसमें चला सकता है, इसमें तो जो मर्जी वो चला सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड। हंस क्यों रहे हो भाई? मैंने क्या बोल दिया भाई, क्या हंस रहे हो? पढ़ाई से रिलेटेड बोला। तो हंस क्यों रहे हो? चलो कोई नहीं, इनकी आदत है।